जिस सितंबर महीने में मॉनसून चलाचली की बेला में होता है, उसी महीने की बारिश इस साल दिल्ली में 121 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते तोड़ते रह गई। महज 4 मिलीमीटर की कमी रह गई थी बारिश के अंदर। महीने के अंतिम 3-4 दिनों में ज़्यादा बारिश ना होने और मौसम के शुष्क रहने से मामला खटाई में पड़ गया है। हालांकि इसके बावजूद इस बार सितंबर में ज़्यादातर दिन तापमान सामान्य स्तर के आसपास रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर महीने में बारिश का ऑल टाइम रिकॉर्ड 1944 में 417.3 मिलीमीटर का है। वहीं इस साल बृहस्पतिवार शाम 5:30 बजे तक दिल्ली में इस महीने 413.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो 77 वर्षों में सबसे अधिक है। दिल्ली NCR समेत देश भर में मॉनसून चलाचली की बेला है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से पूर्वानुमान जताया गया है कि अगले सप्ताह 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून की वापसी शुरू होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम भारत के कुछ भागों में नमी में भारी कमी आने के साथ बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन दिल्ली NCR पर इसका असर पड़ेगा या नहीं अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उधर खासकर दोपहर में गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली NCR के लोगों को शुक्रवार से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अगले 3 दिनों तक दिल्ली NCR में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में दिल्ली में बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तो अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इसके बाद शनिवार और रविवार को भी हल्की बारिश होने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।